इज्जत और एहतराम में न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि दूसरे मजाहिब के लोगों ने भी जब कलम उठाई तो उन्होंने अपनी अकीदत और मोहब्बतों का इजहार किया। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन ने एक शेर कहा और उन्होंने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। हजरते गिरामी, आइए उस जाते गिरामी का जिक्र करें जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो जाते गिरामी जिसने बेटियों की जान बचाई, वो जाते गिरामी जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो जाते गिरामी जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए, वो जाते गिरामी जिसने वतन से मोहब्बत को ईमान का दर्जा दिया, वो जाते गिरामी जिसने मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के साथ अखलाक के रिश्ते रखने का हुक्म दिया। ऐसी जाते गिरामी का जिक्र करने का वक्त आ गया है। आइए चार मिसरे पढ़ता हूं और फिर से वही बात कि ये चार मिसरे आपकी आंखों में चमक बनकर चमकने लगेंगे और मैं उस शायर को आवाज दूंगा जिसे बुलाने के लिए मैं इस माइक पर अब खड़ा हूं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें और इस महफिल को खूबसूरत आगाज के लिए, एक ऐसे नूरानी आगाज के लिए मैं एक शायर को दावत कलाम दूं। वो शायर जिसे आप हमेशा मोहब्बतों के साथ सुनते हैं, वो शायर जिसका इंतजार हिंदुस्तान भर के मुशायरे करते हैं, वो शायर जो अपने आवाज की खुशबूदार और बड़ी जो जाज़बियत है उस जाज़बियत से पहचाना जाता है, वो शायर जो आवाज की खनक में मुशायरे का ऐसा आगाज करता है कि मुशायरा कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाता है, वो आपका महबूब शायर है काविश रुदौलवी। मैं चाहता हूं कि काविश रुदौलवी से गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना के हमारे मुशायरे का खूबसूरत नूरानी आगाज करें। जनाब काविश रुदौलवी। सदर मोहतरम शोराए इकराम, नाज़िम मुशायरा और सामे नजरात, अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि नाते पाक पढ़ने का शरफ मेरे हिस्से में आया है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाज़िम व शायर हज़रत लतीफ़ फ़ारूक़ साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारे मुशायरों की आबरू हज़रत सिकंदर हयात अकबर साहब तशरीफ़ फरमा है। दीगर हमारे शायर दोस्त, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई अकबल बलरामपुरी साहब का जिन्होंने एक बार फिर आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया। मुजीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दें। नाते पाक पढ़ता हूँ आप सबकी दुआ चाहता हूँ। जब तबीयत बहुत जब तबीयत बहुत उदास रहे, तैयार हैं? एक बार कह दे सुभान अल्लाह, ये माशाल्लाह। अब लगा कि मैं तुलसीपुर में हूं। जब तबीयत बहुत
उदास रहे, दिल न बहले दुरूद पढ़ लीजिए। जब तबीयत बहुत उदास रहे, दिल न बहले दुरूद पढ़ लीजिए। कबल इसके मनात पाक पढ़ूं, आप पहले दुरूद पढ़ लीजिए। आप पहले दुरूद पढ़ लीजिए कि दीदार की क्या छी, दीदार की क्या छी, तदबीर निकाली है दीदार की क्या अच्छी। एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, इधर का महल्ला जाग गया थोड़ा सा, इधर के लोग भी जाग जाएं कि दीदार की क्या अच्छी, तदबीर निकाली है दीदार की क्या अच्छी। अगर तदबीर अच्छी लग जाए तो मुझे दुआ दीजिएगा कि दीदार की क्या अच्छी, तदबीर निकाली है दीदार की क्या अच्छी, के दीदार की क्या अच्छी, तदबीर निकाली है, तदबीर निकाली तस्वीर मदीने की। अरे तस्वीर मदीने की कमरे में सजा ली है, तस्वीर मदीने क्या कहना, तस्वीर मदीने की कमरे में सजा ली है, तस्वीर मदीने की। थोड़ा सा और जाग जा, मुशायरे को ये से मुशायरा बना दे, बोल दे सुभान अल्लाह कि हर आन मुनव्वर है, हर आन मुनव्वर है, क्या रोजे की जाली है, हर आन मुनव्वर है, हर आन मुनव्वर है, क्या रोजे की जाली है, कशिश मेरी, अरे हल्की सी कशिश मेरी आंखों ने चुरा ली है, हल्की सी कशिश मेरी आंखों ने चुरा ली है, हल्की सी कशिश मेरी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सुन रहे हैं। और आइए ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, समाज फरमाए। हल्की सी कशिश मेरी क्या कहना, आंखों ने चुरा। काविश आप जरा सर एक सेकंड रुकें, जरा थोड़ी सी बात मैं करूं। देखिए ये जो आप लोग बैठे हैं ना, मैं बलरामपुर और बलरामपुर पूरे जिले की बात करता हूं, बल्कि बलरामपुर के आसपास के जिलों में भी ये जो जगह थी ये लड्डू भाई के लिए रिजर्व थी, है ना। और ये मैं उन्हें याद इसलिए कर रहा हूं कि इस जगह पर जो लोग बैठते थे वो पूरी रात इतने अलर्ट बैठते थे कि शायरों के पैर कांपते थे कि लड्डू भाई की तरफ से क्या जुमला आएगा और उस जुमले पर हमारा क्या हश्र होगा। आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा है जो आगे की सफों में बैठे हैं। तुलसीपुर बलरामपुर जिस शोहरत के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, आज आपकी उन्हीं समातों का इम्तिहान है। एक बार सारे लोग मिलकर इजाजत दें काविश रुदौलवी को, सारे लोग मिलकर कह दें सुभान अल्लाह, ताकि काविश रुदौलवी अगला शेर पढ़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में ले रहा है, बोले सुभान अल्लाह, ताकि लगे कि हाँ मुशायरा हो रहा है। पूरा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में ले रहा है, बोले सुभान अल्लाह के दीदार की क्या अच्छी, तदबीर निकाली है दीदार की क्या
छी। हमारे मोहतरम अब्दुल्ला भाई भी तशरीफ लिया है, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। शेर पेश करता हूँ बतौर खास इरशाद के दीदार की क्या छी, कि सोना हो के जगना हो, खाना हो के पीना हो। बोल दे सुभान अल्लाह। वो आका जो अपनी उम्मत की मोहब्बत में पूरी पूरी रात सजदों में रो रो के गुजार दी, उसके उम्मती जिनसे कहा जाता है कि अपने आका के नाम पर सुभान अल्लाह बोलो तो उनके मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकलता है। कैसी उम्मत है आप, बोल दे एक बार सुभान अल्लाह। के सोना हो के जगना हो, खाना हो के पीना हो, सोना हो के जगना हो, के सोना हो के जगना हो, खाना हो के पीना हो, खाना हो के पीना हो। सरकार दो आलम की, अरे सरकार दो आलम की, हर बात निराली है। सरकार दो आलम की, सरकार दो आलम की, हर बात निराली है। सरकार दो आलम की। ये हिस्सा जो वहाँ पे बैठा है, अगर ये हिस्सा यहाँ पे आ जाए तो मुशारा बहुत ही कामयाब हो सकता है। वो हिस्सा अगर यहाँ पे आ जाए सामने तो कामयाब हो जाएगा मुशारा। कि सरकार दो आलम की हर बात निराली है, सरकार दो आलम की हर बात निराली। और ये भी शेर बतौर खास पेश करता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। सरकार दो आलम की, के वो हूर मलाइके हो, वो हूर मलाइके हो, या जिन्नो बशर आका, वो हूर मलाइके हो, के वो हूर मलाइके हो, या जिन्नो बशर आका, हर कोई तेरे दय का, अरे हर कोई तेरे दय का मंगता है सवाली है, हर कोई तेरे दय का मंगता है सवाली है। दोस्तों जब कोरोना आया था तो ये हालत हो गई थी के काबे का तवाफ रोक दिया गया था, हज रोक दिया गया था, मस्जिदों में ताले लग गए थे। और ये मेरी नादे पाक भी उसी दौरान रमजान मैं एक बात यहाँ साफ कर दूं, बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा कि आम तौर पर नाज़िम मुशायरा ये कहते हैं कि साहब ये जो पैसा दिया जाता है ये मुशायरे की रिवायत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और अभी नदीम भाई ने 500 का नोट देखा तो खामोशी से रख लिया। मैं इसकी सफाई देना चाहता हूं, इस वक्त चूंकि नाते पाक पढ़ी जा रही है, नाते पाक पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है, और नाते पाक सुनना और उस पर नात पढ़ने वाले को नवाजना ये मेरे आका की सुन्नत है। तो आप अगर शायर को अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं तो इस वक्त रोकने का कोई हक नहीं है। गजल के दौर में वो पाबंदियां आयद रहती हैं, लेकिन इस वक्त ये जो भाई ने अपनी तरफ से मोहब्बतों का तोहफा दिया है ये काबिशुद्दौलवी के लिए। कुल मिला के नदीम भाई ये फरमाना चाह रहे हैं कि आप लोग भी इस अमल में हिस्सा ले सकते हैं। एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। चूंकि रमजान शरीफ में ये नाते पाक मुझसे हुई थी, एक शेर कोरोना के हवाले से है। अभी भी वो वबा हम लोगों के इर्द गिर्द मंडरा रही है, अल्लाह ताला उससे हमें नजात दे दे। मैं शेर पढ़ता हूँ, आप आमीन कह दीजिएगा पहले मिसरे पर। जी पढ़िए भाई। के सरकार दो आलम की हर बात निराली है, सरकार दो आलम की, के दुनिया से कोरोना को तू कर दे फना या रब। बोल दे आमीन। के दुनिया से कोरोना को तू कर दे फना या रब, दुनिया से कोरोना को, के दुनिया से कोरोना को तू कर दे फना या
रब रमजान में गए तेरे, अरे रमजान में गए तेरे महबूब का खाली है, रमजान में गए तेरे महबूब का खाली है, रमजान में गए तेरे। और नदीम भाई ये शेर पेश करता हूँ आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, अता कीजिए कि क्या बोझ गुनाहों का अब भी नहीं कम होगा। बोल दे सुभान अल्लाह, क्या बोझ गुनाहों का, क्या बोझ गुनाहों का अब भी नहीं कम होगा। अब्दुल्ला भाई क्या बोझ गुनाहों का, क्या बोझ गुनाहों का अब भी नहीं कम होगा। पलकों से तेरे दर की, अरे पलकों से तेरे दर की कुछ खाक उठा ली है, पलकों से तेरे दर की, पलकों से तेरे दर की कुछ खाक उठा ली है। अकमल भाई मक्ता पेश करता हूँ बतौर खास, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, समाप्त फरमाए। इरशाद इरशाद काविश काविश कोई सूरत थी, काविश कोई सूरत थी, काविश कोई सूरत थी मोरब को दिखाने की, काविश कोई सूरत थी। खुदा के लिए जाग जाओ कि काविश कोई सूरत थी मोरब को दिखाने की, काविश कोई सूरत थी, काविश कोई सूरत थी मोरब को दिखाने की। इश्के शहबत हाले, अरे इश्के शहबत हाले बस लाज बचा ली है, इश्के शहबत हाले, अरे इश्के शहबत हाले बस लाज बचा ली है, इश्के शहबत हाले के जो जैस। अगर आपका भी अरमान होगा, जिसका भी अरमान होगा वो सुभान अल्लाह कहेगा मचल कर, कि जो जैसे हैं पूरे हो अरकान मदीने में, जो जैसे हैं पूरे हो, जो जैसे हैं पूरे साथ देंगे मेरा पढ़ू मैं, इजाजत है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, कि जो जैसे हैं पूरे हो अरकान मदीने में, अरकान मदीने में अल्लाह करे गुजरे, अरे अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में, अल्लाह करे गुजरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए बोल दे, ये देखिए काविश रुदौलवी को ये शिकायत है कि जो शायर हमारे साथी बैठे हैं ये दाद नहीं दे रहे हैं। अब मैं एक जुमले में ये काम करके दिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा दाद यही देंगे। ये देखिए जितना नजराना आ रहा है मेरे पास, ये सारे शायरों में पूरी ईमानदारी के साथ बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो बाकी जो है नदीम भाई ने ये जुमला कहकर कि आपको आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं कि इतने में कितना कितना आएगा। इजाजत है पढ़ दूं मैं फिर से, बोल दे सुभान अल्लाह, कि जो जैसे हैं पूरे हो जो जैसे इको थोड़ा कम करो, आवाज थोड़ा बढ़ाओ, लंबी करो, लंबी करो,
कि जो जैसे हैं पूरे, जैसे पहले था वैसे कर दो, वही पे छोड़ दो, कि जो जैसे हैं पूरे हो, कि जो जैसे हैं पूरे हो, अरकान मदीने में, अरकान मदीने में, अल्लाह करे गुजरे, अरे अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में, अल्लाह करे गुजरे। एक शेर बनाने की कोशिश की है नदीम भाई, हमारे बहुत ही मोहतरम सिकंदर हयात गड़पड़ साहब तशरीफ फरमा है, ये हमारे दो सीनियर शोरा कराम हैं और हमारे जो सीनियर सामईन हैं, मैं उन सब की दुआएं चाहता हूँ, सारे सामईन की दुआएं चाहता हूँ। लौटाने अमानत मेरी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कि लौटाने अमानत मेरी बुलवाए वो दोबारा, लौटाने अमानत मेरी, क्योंकि हमारे आका का लकब अमीन भी था, मैं पेश करता हूँ, कि लौटाने अमानत मेरी, लौटाने अमानत मेरी बुलवाए वो दोबारा, मैं जान के भूलाऊं, अरे मैं जान के भूलाऊं सामान मदीने में, मैं जान के भूलाऊं, जान के भूलाऊं सामान मदीने में, अल्लाह करे गुजरे, के नबवी के मनारे हो, नबवी के मनारे हो, क्या कहना, रोजे के नजारे हो, नबवी के मनारे हो, अगर तमन्ना है तो बोल दे मचल के सुभान अल्लाह, के नबवी के मनारे हो, नबवी के मनारे हो, रोजे के नजारे हो, ऐ काश सुनू जाके, अरे ऐ काश सुनू जाके कुरान मदीने में, ऐ काश सुनू जाके कुरान मदीने में, अल्लाह करे गुजरे, के हो अजब खजूरे, और इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे, कहां पाकिस्तान से आए क्या, अगर पाकिस्तान से बोल दें, थोड़ा सा हाथ उठाएं, इधर इधर अक्सर ये होता है उमन के बायां हाथ कमजोर होता है दाहिना मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर बायां मजबूत है दाहिना कमजोर है, थोड़ा सा जागिए, के हो अजवा खजूरे और जमजम की सुराही हो अजवा खजूरे, के हो अजवा खजूरे जमजम के सुराही हो, इफ्तार करूं बन के, अरे इफ्तार करूं बन के मेहमान मदीने में, इफ्तार करूं बन के मेहमान मदीने में, इफ्तार करूं बन के खाके खाके दर जाना जो छू जाए मेरे तन को, खाके दर जाना जो छू जाए मेरे तन को, के खाके दर जाना जो छू जाए मेरे तन को, के बन जाए मेरी मीटी, अरे बन जाए मेरी मीटी लोबान मदीने में, बन जाए मेरी मीटी। और मक्ता पढ़ता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ, कि हर फिक्र यही रख के, क्या कहना, तू चल तो सही काविश, हर फिक्र यही रख के, हर फिक्र यही रख के तू चल तो सही काविश, सुल्तानों के रहते हैं, अरे सुल्तानों के रहते हैं सुल्तान मदीने में,
सुल्तानों के रहते हैं, सुल्तान मदीने में। अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में।